जिस प्रकार से आप लोग दलित और मुस्लिम समाज को दरकिनार कर रहे हैं, उनको साथ लेके चलिए, उनके बिना आप चुनाव जीत सकते हैं। नीतीश कुमार जी अपना इतिहास उठा के देख ले, दलितों ने उनको वोट दिया है तब जाके वो सीएम बने हैं। बहन जी है और तमाम बहुत सारी पार्टियां हैं, मांझी जी की पार्टी थी दलित समाज की पार्टी, उनको उन्होंने किस प्रकार से बेइज्जत करके भगा दिया। नीतीश कुमार जी को अगर बहन जी नाराज भी है तो उनको मनाना चाहिए, इतनी ताकतवर नेता है वो हर राज्य में। अगर बहन जी आज के डेट में पटना में आ जाए तो आपको पता है कि लाखों लोग उनके लिए आ जाते हैं। भाजपा का बी टीम कहा जा रहा है टीवी अखबार के द्वारा। देखिए ये सवाल आप कीजिएगा तो हम तो कहेंगे कि नीतीश कुमार जी से बड़ा कोई बी टीम नहीं है बीजेपी का। बहन जी सीएम रहते हुए जो उन्होंने मॉडल पेश किया है यूपी के अंदर, इस देश में कोई भी वैसा नहीं कर पाया। उन्होंने स्कूल बनाया, भूमिहीनों को जमीन दिया, 3-3 एकड़ जमीन अलॉट किया है बहन जी ने। नीतीश कुमार जी लगातार बीजेपी के साथ रहे, आए हैं गए हैं, उन गारंटी है कि वो फिर नहीं जाएंगे बीजेपी में। दावे के साथ अगर हम कह सकते हैं कि बीजेपी को ज़रूरत होगी तो वो बीजेपी में चले जाएंगे। आप जिस प्रकार से दलित नेताओं को इग्नोर कर रहे हैं, मुस्लिम नेताओं को इग्नोर कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। उनको इन्वाइट करना चाहिए, आपको मनाना चाहिए, आप बड़ा दिल दिखाइए, उनके पास जाइए कि भाई देश का सवाल है, देश को बचाने की सवाल है, आप लोग साथ आइए, साथ मिल के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आप पहले ही पुलाव पका लीजिएगा कि हम पीएम बनेंगे, उस हिसाब से आप डील कीजिएगा तो लोग साथ नहीं आएंगे। भाजपा पूरे देश में 9 साल बेमिसाल उत्सव सा मना रही है, हर काम को वह गिनाने के लिए गांव-गांव गली-गली हर घर तक जा रही है। साथ में दूसरी ओर विपक्षी एकता की एक बड़ी बैठक पटना में होने वाली है, 24 को लेकर इन लोगों का एक बड़ा बैठक है। 24 में क्या मुद्दे होंगे, दोनों मसले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दलित एक्टिविस्ट मनीष पासवान जी हैं। पासवान जी, क्या लगता है कि 9 साल बेमिसाल जो मोदी जी मना रहे हैं, क्या रेटिंग आप लोग दीजिएगा? 9 साल बेमिसाल, मतलब ये तो बीजेपी का जुमला है। पहले भी वो 2 करोड़ रोजगार को जुमला साबित कर दिए, उन्होंने खुद साबित किया था। और जिस प्रकार से देश में बेरोजगारी बढ़ी है, जिस प्रकार से आप देख लीजिए क्या स्थिति है आज के डेट में, बीजेपी वाले क्या कहते हैं कि हमने सबको सिलेंडर दे दिया। आज गरीब के पास सिलेंडर भराने का पैसा नहीं है, पहले 300-400 में सिलेंडर मिलता था, आज 1200 रुपया होने को 1000 पार कर गया। कहाँ से लोग खरीदेंगे? और राशन 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन से क्या होगा? आप बताइए कि लोगों को रोजगार दीजिए, आप स्कूल कॉलेज बने, कितना कॉलेज बनाए, कितना यूनिवर्सिटी बनाए, वो जो यूनिवर्सिटी है, जो संस्थाएं हैं, उसको तो बीजेपी बेच रही है। मंदिर बनवा दिए, यही तो है कि मंदिर बनाएगा, उसमें जाके घंटा डोलाइए। और आप अच्छा बताइए कि मंदिर से रोटी चल जाएगा का किसी का? धर्म खतरे में है सर, धर्म से क्या होता है, धर्म खतरे में है। तो यही तो बीजेपी चाहती है कि हम लोग धर्म हिंदू मुस्लिम के करके और लोगों को ये करके और हम हिंदू मुस्लिम करके वोट ले ले। लेकिन सवाल यहाँ पे होना चाहिए लोगों के संवैधानिक अधिकार का, लोगों के जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, इस 9 साल में क्या लोगों के जीवन में बदलाव आया है। लोगों के जीवन में यह बदलाव आया है कि पहले लोग 60 रुपये पेट्रोल खरीदते थे, आज 110 रुपये खरीद रहे हैं। पहले 300 रुपया में गैस सिलेंडर खरीदते थे, आज 1200 रुपया में खरीद रहे हैं। शेयर पालिएगा, थोड़ा महंगाई सहना। पहले सरकारी नौकरी के लिए लोग तैयारी करता था, पूरा पटना खाली हो गया। अब क्या है, प्राइवेट 5000-10000 का नौकरी भी नहीं मिलता है, बच्चे को ये स्थिति हो गई है। सारा सरकारी संस्था को प्राइवेट हाथ में दे दिया गया है, जिसके कारण देश में इतना बेरोजगारी बढ़ा है। इतने अग्निवीर दे दिया उन्होंने, यही तो है, ये भी प्राइवेटाइजेशन है। अब बताइए कि जहाँ पे 60 साल की नौकरी मिल रही थी, वहाँ 4 साल में यहाँ पर नौकरी करके क्या करेगा 4 साल के बाद? 4 साल तो लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि 4 साल कैसे बीत जाता है। सेना मजबूत होगा इससे? सेना पहले भारत की सेना मजबूत रही है, पाकिस्तान से युद्ध लड़ा है, हमारी सेना जीती, हमारी सेना बहुत बहादुर रही है, हमेशा से रही है। आप सेना को कमजोर कर रहे हैं। युवा ही तो नारा लगा रहा था, हर हर मोदी, घर घर मोदी, बहुत हुई महंगाई की मार। यही बात है कि जिस प्रकार से बीजेपी अपना परसेप्शन मैनेजमेंट करके मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान करके लोगों को डाइवर्ट करके लोगों को अशिक्षित रख के चाहती है कि हम इस देश पे शासन करें और एक वर्ग को गुलाम बना दे, बहुजन समाज, बहुजन वर्ग को, बड़े आबादी को, और चंद लोग इस देश पे शासन करें। इनको हराने के लिए जिस प्रकार से पटना में बड़ी बैठक हो रही है, हाँ, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत ये सराहनीय कदम है और ऐसी बैठक होनी चाहिए,
लेकिन इसमें हम जो बैठक कर रहे हैं नीतीश कुमार जी और तमाम नेता, इन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आप जिस प्रकार से आप लोग दलित और मुस्लिम समाज को दरकिनार कर रहे हैं, उनको साथ लेके चलिए, उनके बिना आप चुनाव नहीं दे जीत सकते हैं। नीतीश कुमार जी अपना इतिहास उठा के देख ले, दलितों ने उनको वोट दिया है तब जाके वो सीएम बने हैं। तो इस प्रकार से अभी देश के अंदर इतने सारे बहन जी है और तमाम बहुत सारी पार्टियां हैं, मांझी जी की पार्टी थी दलित समाज की पार्टी, उनको उन्होंने किस प्रकार से बेइज्जत करके भगा दिया। सीधा बहन जी को लेके आपसे सवाल होगा, जिस प्रकार से बहन जी ने काम किया जब वो मुख्यमंत्री थी दलितों के लिए, और अम्बेडकर राइट, हार्ड कोर अम्बेडकर राइट उनको माना जाता है, रेडिकल अम्बेडकर राइट, उन्होंने जमीन दिया लोगों को, तो क्या लगता है कि बहन जी क्यों नहीं विपक्षी एकता में आ रही है, क्या मजबूरी है उनके साथ? देखिए, बहन जी एक स्वाभिमानी नेता है, ठीक है। बहन जी ने जो काम किया है, बहन जी सीएम रहते हुए जो उन्होंने मॉडल पेश किया है यूपी के अंदर, इस देश में कोई भी वैसा नहीं कर पाया। उन्होंने स्कूल बनाया, इतना सारा काम किया, भूमिहीनों को जमीन दिया, 3-3 एकड़ जमीन अलॉट किया है बहन जी ने। और आप शहर में जाके देखिए, काशीराम शहरी आवास योजना के तहत उन्होंने कितना सारा लोगों को फ्लैट दिया है, वो शानदार फ्लैट, उस फ्लैट की कीमत आज 50 लाख, पेंशन, बहुत सारी चीजें हैं। आप अनगिनत काम है जितना उन्होंने काम किया है। वैसे बहन जी की जरूरत है विपक्षी एकता में? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को अगर बहन जी नाराज भी है तो उनको मनाना चाहिए, इतनी ताकतवर नेता है वो हर राज्य में। अगर बहन जी आज के डेट में पटना में आ जाए तो आपको पता है कि लाखों लोग उनके लिए आ जाते हैं, पूरे देश में। एक हम पटना का एग्जांपल दे रहे हैं, पूरे देश में उनका संगठन है, पूरे देश में हर राज्य में उनका वोट बैंक है। तो वैसे नेता को भाजपा का बी टीम कहा जा रहा है टीवी अखबार के द्वारा। देखिए, ये सवाल आप कीजिएगा तो हम तो कहेंगे कि नीतीश कुमार जी से बड़ा कोई बी टीम नहीं है बीजेपी का। नीतीश कुमार जी लगातार बीजेपी के साथ रहे, आए हैं, गए हैं, उन गारंटी है कि वो फिर नहीं जाएंगे बीजेपी में। दावे के साथ अगर हम कह सकते हैं कि बीजेपी को जरूरत होगी तो वो बीजेपी में चले जाएंगे। तो क्या लगता है कि एक केसीआर का बयान आया है कि दलित पीएम होना चाहिए, देश के लिए हितकारी होगा? केसीआर ने बोला है कि दलित पीएम चेहरा आप अगर सामने रखते हैं तो आसानी से बीजेपी को हरा सकते हैं। तो इस पे भी सोचना चाहिए। विपक्ष की जो एकता की बैठक हो रही है उसमें अब क्या सजेस्ट कीजिएगा नीतीश जी को, अगुवाई कर रहे हैं? हम तो नीतीश कुमार जी से यही कहेंगे कि जिस प्रकार से लोगों के अंदर में रोष है, पूरे बहुजन समाज, पूरे दलित, पिछड़ा, मुस्लिम सब समाज के लोगों में, लेकिन आप जिस प्रकार से दलित नेताओं को इग्नोर कर रहे हैं, मुस्लिम नेताओं को इग्नोर कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। उनको इनवाइट करना चाहिए, आपको मनाना चाहिए, आप बड़ा दिल दिखाइए, उनके पास जाइए कि भाई देश का सवाल है, देश को बचाने की सवाल है, आप लोग साथ आइए, साथ मिल के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आप पहले ही पुलाव खिला लीजिए, पका लीजिए कि हम पीएम बनेंगे, उस हिसाब से आप डील कीजिएगा तो लोग साथ नहीं आएंगे, लोग डाइवर्ट हो जाएंगे और इस प्रकार से बीजेपी को बेनिफिट हो जाएगा। चलिए, ये मनीष पासवान जी थे और इनका स्पष्ट मत है कि बिना बहन जी का विपक्षी एकता कारगर नहीं होगा। बहन जी को मानने वाले पूरे देश में लोग हैं, हर जगह पे उनका वोट बैंक है, एक सशक्त महिला रही है, एक सशक्त नेता रही है। यदि वो विपक्षी एकता में आ जाती है तो आसानी होगा बीजेपी को हराने में। तो पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।